सद्गुरु कबीर की एक साखी है, जिसमें उन्होंने हम लोगों को एक निर्देश दिया है जो साधना पथ में चलने वाले हैं, अपने को साधु मानते हैं, साधक मानते हैं, उन लोगों के लिए निर्देश है। निर्देश क्या कह सकते हैं, एक कसौटी है। हम कहते हैं कि हम साधु हैं, साधक हैं, साधना करने के लिए हम घर द्वार छोड़ दिए हैं, वैराग्य के पथ पर आए हैं। ठीक है, लेकिन साधु का लक्षण क्या है और वो लक्षण हमारे जीवन में कितना उतरा है, हम कितना उतार रहे हैं, उसे कितना धारण कर रहे हैं, इस पर भी तो विचारना होगा। भक्तों के यहां हम लोग जाते हैं, हमें साधु मानकर, महात्मा मानकर भक्त लोग अपनी शक्ति के अनुसार हमारे लिए पूरी व्यवस्था करते हैं, रहने की, खाने की, पूजा वंदना भी करते हैं। और हमने यदि ये मान लिया, हम जहां जाते हैं वहां भगत लोग हमें साधु मानकर, महात्मा मानकर हमारा आदर सत्कार करते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, हमारी पूजा वंदना भी करते हैं, और हम लोगों को ज्ञान की बातें भी बता लेते हैं, प्रवचन करने की कला हमारे पास है, भजन गाने की कला हमारे पास है, लोगों को रिझाने की कला हमारे पास है, तो अब हमें किस बात की कमी है? और हम मान लेते हैं कि इतने में हमारे जीवन में पूर्णता आ गई और हम रुक जाते हैं बीच में। आगे की जो मंजिल है वो मंजिल भूल जाती है, आगे भी लंबा सफर तय करना है, वो बात भूल जाती है। बाहरी बात को हम पकड़ करके रह जाते हैं। इसीलिए जिस काम के लिए हम इस साधु मार्ग में आए, संगुरुजनों शरण में आए, वह काम पूरा नहीं हो पाता। मन में असंतोष है, मन में उद्विग्नता है, मन में अशांति है, किसी ने कुछ कह दिया उससे हमारा मन बेचैन हो जाता है। अभी प्रसिद्धि की कामना है, मान बढ़ाई की कामना है, शिष्य बनाने की कामना है, मठ विस्तार की कामना है, तो अभी तो हम बहुत पीछे हैं। शिष्य बनाते भी हैं लोग, दीक्षा देते हैं, अच्छा है। कुछ लोग सहज रूप से विनय किए, प्रार्थना किए तो उन्हें दीक्षा देना गलत नहीं है, शिष्य बनाना गलत नहीं है, प्रचार करना गलत नहीं है, उपदेश करना गलत नहीं है, भजन गाना गलत नहीं है। आखिर ये सब ना करें तो लोगों को धर्म मार्ग में प्रेरणा कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, वे धर्म के मार्ग में जुड़ेंगे कैसे? तो ये सब करना गलत नहीं है, लेकिन इनके लिए मन में तृष्णा होना गलत है, अधिक अधिक की चाहना होना गलत, और अपने को
बड़ा मानना गलत। अब दूसरे लोग बिहार में बड़ा मानते हैं, तो मजबूरी हो जाती है कई बार कि ऊंचा बैठना है, आगे बैठना है, नहीं चाहते हुए भी बैठना पड़ जाता है। लेकिन मजबूरी बस बैठना अलग बात, और अपने मन में कामना होना कि मैं ऊपर बैठूं, मैं आगे बैठूं, तो दोनों में बड़ा फर्क होता है। चाहना रहित हो करके जो कुछ स्वीकार करना पड़ता है वो हमारे लिए बंधन नहीं बनता। चाहना पूर्वक जब भावना होती है तब हमारे लिए वो काम बंधन बन जाता है। तो हम लोग जो अपने को साधु कहते हैं, बैरागी कहते हैं, साधना मार्ग में चल रहे हैं, उनके लिए सद्गुरु कबीर ने एक कसौटी दी है। चाहे साधु हो, चाहे साध्वी हो, जो भी हो, जो बैराग पथ पर चल रहा, जो घर गृहस्थी छोड़ करके साधना मार्ग में आ गए हैं, उस सब के लिए, और केवल उनके लिए नहीं, ये बात तो जो भक्त हैं, गृहस्थ हैं, उनके लिए भी, क्योंकि शांति वे भी चाहते हैं। जीवन में शांति कोई नहीं चाहता, दुख कोई नहीं चाहता, सब अशांति और दुख से बचना चाहते हैं। तो उन सब के लिए ही कसौटी है। साहब कहते हैं, निर्वैरी निकामता साई सेती ने विषया सो न्यारा रहे साधुन की मतिये। साधु की कसौटी को हम साधु किसे कहना चाहिए? साधु का लक्षण क्या है, उसकी पहचान क्या है? साधु को अपनी बुद्धि कैसे बनानी चाहिए, जीवन कैसे बनाना चाहिए? चार बातें साहिब इसमें बताते हैं। पहली बात, वह निर्वैर हो, किसी को अपना बैरी ना मानता हो, किसी से बैर ना रखता हो। दूसरी बात, निष्काम हो, कुछ चाहना ना हो मन में, ऐसा भोजन, ऐसा वस्त्र, ऐसी सुविधा, ऐसा सम्मान, ऐसी पूजा, ऐसी आरती वंदना, इतना प्रचार करूं, ऐसी कोई कामना ना हो। तीसरी बात, आत्मानुराग हो, साई सेती ने, साई मालिक स्वामी, अपने आत्मा मनुराग या साई जो संत हैं, गुरु हैं, उनके प्रति श्रद्धा भक्ति हो। चौथी बात, विषया सुन्यारा रहे, विषय वासनाओं से अपने आप को पूरी तरह से अलग किया हुआ हो। ये साधु के लक्षण है। जिस इस कसौटी में अपने को कसता है वो साधु है। किस वेश में है, किस पंथ में है, गृहस्थी आश्रम में है कि विरक्ति आश्रम में है, इससे कोई मतलब नहीं। इन चारों को जीवन में जिन्होंने उतार लिया, जो निर्वैर हो गया, निष्काम हो गया, जिसका आत्मा में अनुराग है, संवृजनों में श्रद्धा है, और विषय वासना से जो पृथक है, वो साधु है। पहली बात है निर्वैर होना। बीजक साखी प्रकरण में भी साहब ने साखी में कहा है, सब जीवन से निर्वैर रहे, सभी जीवों से निर्वैर, किसी के लिए वैर की भावना मन में ना हो, किसी के लिए वैर की भावना अपने मन में रखना अपना ही नुकसान करना है। मन नहीं मिलता, स्वभाव नहीं मिलता, तो अलग रहना अच्छा है। लेकिन चाहे साथ में रहे, चाहे अलग रहे, सबके लिए हित कामना हो, सबके लिए प्रेम हो। बिहार में कुछ ऐसी बातें होती है कि साथ नहीं रहा जा सकता, तो
तो उसके लिए हम मन में बैर बांध ले, गांठ बांध ले, तो गांठ तो हमें ही गड़ेगी। किसी के लिए हमारे मन में बैर की गांठ है तो हमारा मन शुद्ध नहीं रह सकता, और वो गांठ चुभती रहेगी, हमारी साधना में प्रगति हो ही नहीं सकती। समय आने पर निर्णय करना पड़ता है, किसी को कुछ प्रेम से समझाना पड़ता है, कभी किसी को डांट कर समझाना पड़ जाता है। डांटने में भी कोई बैर भाव नहीं होता है, हित की भावना। जैसे कई बार माता पिता बच्चे को समझाते हैं, प्रेम से समझाते हैं, पुचकारते हैं, नहीं मानता बच्चा तो खिलौना देते हैं, पैसा भी दे देते हैं किसी बात से बच्चा माने, नहीं मानता बच्चा तो दो चांटा लगा देते हैं। तो वहां क्रोध थोड़े हैं, उस बच्चे के प्रति बैर थोड़े हैं, दो चांटा लगाए उसमें भी बच्चे का ही हित रहता है कि किसी प्रकार से सुधरे, किसी प्रकार से बात माने, किसी प्रकार से सही रास्ते पर चले। बच्चे मां के मार में भी बच्चे का हित, बच्चे का कल्याण छिपा होता है। इसीलिए किसी कवि ने कहा है, गुजराती में मैंने पढ़ा था, बहुत बढ़िया मुझे लगा, कि किसी की गलती को देखकर यदि मन में उसे डांटने की भावना हो तो डांटते समय मां का हृदय रख करके डांटना। तो लिखा है कि मां का हृदय कैसे होता है, बच्चे की गलती देकर के मां हाथ से मारती है और मारते समय भी मां का हृदय रोता है, उन्हें चाहती है मारना, लेकिन कुछ ऐसा प्रसंग आ जाता है कि उसे सुधारने के लिए मारना भी पड़ जाता है, लेकिन उस समय मारते समय भी मां का हृदय रोता है। ऐसे ही तुम किसी को डांटना हो तो उस मां का हृदय रख करके डांटना, तो उस डांट में भी प्यार ही होगा, प्रेम ही होगा। प्रसंग हमारा यह है कि सबसे निर्भय कौन पराया है, किसी ने हमारा नुकसान कर दिया तो उन्होंने अपना ही नुकसान किया। चीज फिर आ जाएगी, लेकिन उसके लिए हम बैर की भावना रखें मन में तो हमारे हृदय तो गंदा रहेगा ना, साधना हम क्या करेंगे। और फिर साधना का अर्थ ही क्या होता है, एक सामान्य आदमी बैर भाव रख करके बैर का व्यवहार करता है, अब वही एक साधक भी बैर भाव रख करके व्यवहार करता है, दोनों में अंतर क्या है, सीख कहां से मिलेगी। इसलिए निर्भय सबके लिए कल्याण कामना, कोई बैरी है ही नहीं। साहब तो ये भी कहते हैं, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटाए ले गली गली कर ले, बाहर तुम्हारा बैरी कोई नहीं है, तुम्हारा यदि कोई बैरी है तो तुम्हारी बुराइयां, तुम्हारे दोष, तुम्हारे मन के विकार, ये तुम्हारे बैरी हैं, और इन बैरियों को तुम बहुत प्यार से पाल रखे हो। यदि इन बैरियों को, अपनी बुराइयों को, अपने दोषों को मिटा दो तो तुम गली गली में आराम से घूमो, कौन तुम्हें रोकने वाला है, कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ने वाला है। रात दिन हम अपना बिगाड़ कर रहे हैं, अपने साथ बैर का व्यवहार कर रहे हैं, उसका हमें होश नहीं है, और किसी ने कुछ हमें कुछ कह दिया, हम उसे बैर मान लिए। तो जितना हम विकारों को पालते हैं उतना हम अपने साथ खुद बैर करते हैं, जितना इस दुनिया में जितना नुकसान हम अपना स्वयं करते हैं
दुनिया भर के लोग मिलकर उतना नुकसान हमारा नहीं कर पाते, क्योंकि अपना बिगाड़ हमारे अपने गलत कर्मों से, हमारे जो गलत कर्म हैं, हमारा जो गलत स्वभाव है, हमारा जो मनोविकार है, ये हमारे बैरी है। बाहर बैरी कहां है? और कोई बैर मानता भी है तो बेचारा ना समझ है। समझ उसके पास होती तो बैर मानता ही क्यों? बैर का व्यवहार क्यों करता? शत्रुता का व्यवहार क्यों करता? कोई शत्रुता का व्यवहार करके हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो दया और क्षमा का पात्र है, भूला हुआ व्यक्ति है। छोटा बच्चा कोई गलती कर देता है तो क्रोध का पात्र नहीं होता, दया और क्षमा का पात्र होता है। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया तो क्रोध का पात्र नहीं है, दया और क्षमा का पात्र है। और हम उसके साथ दया और क्षमा का व्यवहार करके ही उसे भी सुधार सकते हैं और अपने मन को हम स्वच्छ और निर्मल रख सकते हैं। बैर का भाव पाल लिए, बैर के गांड बांध लिए तो मन तो गंदा हो गया, साधना क्या होगी, भजन क्या होगा? भजन ही है आत्मशोधन करना, आत्म सुधार करना। तो बलिया साहब कहते हैं निर्भयी, प्राणी मात्र के प्रति निर्भयत्व की भावना हो, किसी के लिए भी द्वेष भाव मन में ना हो, क्रोध ना हो, उसके दुखी देखने का भाव मन में ना हो, उसका नुकसान देखने का भाव मन में ना हो, ये हमारी साधुता होगी। और यदि किसी ने हमारा नुकसान किया है, किसी ने हमारा अपमान किया है, किसी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, हम चुप तो रह गए, कुछ कहे नहीं, लेकिन दो चार छह दिन बाद या महीना भर बाद उस व्यक्ति का कुछ नुकसान हो गया, उस व्यक्ति के जीवन में कुछ दुख आ गया और उसके दुख को देखकर हमारे मन में प्रसन्नता आ गई, समझ लो हमारा मन गंदा है। किसी के दुख को देख करके मन में प्रसन्नता आना गंदे मन की पहचान है। किसी के दुख को देखकर तो हमारे मन में दया का भाव होना चाहिए कि देखो व्यक्ति के दुख आ गया, ऐसा दुख नहीं आना चाहिए। किसी के दुख को देख करके दया का भाव ना आकर के प्रसन्नता आना भयंकर गंदगी की पहचान है, और ऐसा रखकर हम साधना नहीं कर सकते। इल्ले साहब कहते हैं निर्वैरी, सबसे निर्वैरत्व रखो, परिचित लोगों से, अपरिचित लोगों से, अपनों से, पराये से, सबसे निर्वैर, किसी के लिए वैर का भाव ना हो मन में। दूसरी बात निष्कामता, निष्काम रहो। वैर भाव क्यों होता है? क्योंकि हमारे मन में कामना होती है, जितनी कामना होगी उतना ही दूसरों के प्रति हमारा वैर भाव होगा, क्योंकि हमारी कामनाएं सब के सब पूरी होने वाली है नहीं, कोई एक आध कामना कभी पूरी हो जाती है। अब कामना जब पूरी नहीं होगी तो हम देखते हैं कि इस कामना किस कारण से पूरी नहीं हुई, तो होता है कि अमुक आदमी के कारण से पुराना में पूरी हुई, बस हम क्रुद्ध हो जाते हैं, उसे अपना बैरी मान लेते हैं। तो निष्काम जीवन निर्वाह का जो काम है वो तो करना होगा, मजबूरी है। भक्तों के यहां आना जाना वो भी होता है, वो भी अपना है, लेकिन इस काम का अर्थ है किसी से कुछ चाहना मत, हर समय संतुष्ट रहना, जो मिल जाए उसमें संतोष। और संतोष मन में है तो कमी का अनुभव कभी होगा ही नहीं, कामना मन में है तो कभी जीवन में शांति होगी ही नहीं। जितनी ज्यादा कामना उतनी ज्यादा अशांति और उतनी ज्यादा क्रोध, उतना ज्यादा दुर्व्यवहार, क्योंकि कामना किसी की पूरी हुई नहीं है और पूरी होगी भी नहीं। कामना ही जहर है, कामना ही बंधन है, और निष्कामता ही अमृत है।
निष्कामता ही अमरता है, निष्कामता ही मोक्ष है। कहें कबीर कामो नहीं जीव ही मरण न हो। साहब कहते हैं यदि मन में कोई कामना ना हो, मन पूरी तरह से निष्काम हो जाए तो फिर जीव को मरना नहीं होगा, जीव तो अमर हो जाएगा। अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया तब लोग, साहब कहते हैं अमृत वस्तु को लोग नहीं जानते। अमृत क्या है? जीव अमृत है, क्योंकि जीव का मृत्यु नहीं होती, अमर है वह। तो जीव अमृत है ये एक थ्योरी है, सिद्धांत है, लेकिन खाली सिद्धांत से काम नहीं आए बनेगा जब तक उसका व्यवहार ना हो। तो जीव अमृत है ये तो थ्योरी है, इसका प्रैक्टिकल क्या है, व्यवहार क्या है? कहें कबीर कामो नहीं, कोई कामना मन में ना हो, निष्कामता यह प्रैक्टिकल है, यह व्यवहार है। अमृत जो जीव है उसका बोध हो और व्यवहार में निष्कामता हो, फिर तो जन्म मरण का चक्कर समाप्त तो हो गया, और कहां भटकना होगा। तो निष्कामता, कोई कामना ना हो मन में, जितनी ज्यादा अपेक्षा होगी उतना ज्यादा दुख होगा। अपने से जो बन सके सेवा करें, लेकिन सेवा करते हुए भी कोई इच्छा मन में ना हो कि इसकी मैं सेवा कर रहा हूं तो समय आने पर ये भी मेरी सेवा करे, ऐसी कोई कामना ना हो। अभी मन में ये कामना है इसकी मैं सेवा करता हूं, समय आने पर ये मेरी सेवा करेगा, और नहीं करेगा तो क्रोध जगेगा जगेगा, बैर भावना होगी ही होगी। और हमने ये समझ लिया कि मेरा काम है सेवा करना, मेरे पास धन है, मेरे पास तन है, मेरे पास विद्या है, तो उसका उपयोग अपने कल्याण के लिए करूं, जीवन निर्वाह के लिए करूं, और मैं 24 घंटा तो ध्यान समाधि में बैठा नहीं रह सकता, अध्ययन भी नहीं कर सकता, तो जो समय है उसका उपयोग दूसरों की सेवा में कर दूं ताकि उनका भी दुख घटे, एक कर्तव्य समझ करके। और सेवा भी क्यों, अपने मन की निर्मलता के लिए। सेवा करने से अपने मन का मैल दूर होता है। सेवा वो साबुन है जो हमारे मन के मैल को धोता है, और सेवा करने से अहंकार दूर होता है, अहंकार मिटता है। अहंकारी आदमी सेवा नहीं कर सकता, अहंकारी आदमी दान कर सकता है, अहंकारी आदमी दूसरों को भोजन खिला सकता है, सेवा नहीं कर सकेगा, वो दिखावा होगा। सेवा में तो विनम्रता होती है, जितने सेवा करोगे उतना ही अहंकार गलता जाएगा, क्योंकि सेवा में भी कर्तव्य समझ करके। कोई कामना ना हो मन में, अगर तो कोई कामना ही मन में नहीं है तो दुख किस बात का। और जो दुखी है वो साधु कैसे? साधु तो सुखी होना चाहिए, और सुखी होने का रास्ता है निष्काम होना। तो सबसे निष्काम, किसी से कुछ ना चाहना। अब यहां कोई प्रश्न कर सकता है कि हमने किसी कह भैया जा बैठो थोड़ा एक गिलास पानी ले आ, तो कह साहब आपको भी कह रहे थे कि कोई कामना ना हो अभी तो आप मंगा लिए पानी, तो ये कामना नहीं है। यहां कामना का अर्थ है भोग की वस्तुएं, रुपया पैसा मान सम्मान सुविधा, ऐसा भोजन ऐसी सुविधा, ये जो कामना है, लोग मुझे अच्छा कहें, लोग मुझे बड़ा माने, लोग मुझे मेरी ऐसी पूजा करें, लोग मेरी चीज सुविधा रखें, ऐसा भोजन दे, ऐसा कपड़ा दे, ये कामना दुखदाई है। किसी कहे भैया भूख लगी है लाओ भोजन ले आओ, तो ये कामना नहीं है, ये तो जीवन के लिए आवश्यक है, इसके बिना जीवन चलेगा नहीं। पहली बात निर्वैर होना, दूसरी बात सबसे निष्काम होना, निस्साह होना। तीसरी बात सदगुरु कहते हैं साईं सेती ने, साईं स्वामी मालिक परमात्मा, भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, सबका मालिक सबका स्वामी कौन, सारे ज्ञान विज्ञान का मालिक, सारे ज्ञान विज्ञान का चलाने वाला, सारे मतपंथ चलाने वाला, सारे कला कौशल का सृजेता और निर्माता,
कौन है? ये जो जीव ही तो है, आत्मा ही तो है। जीव को छोड़ करके ज्ञान का आधार कहीं कोई मिलेगा? जीव को छोड़ करके ज्ञान का स्रोत कहीं मिलेगा? जीव न हो तो वेद कुरान बाइबिल कौन बनाएगा? जीव न हो तो मत पंथ कौन चलाएगा? जीव न हो तो ज्ञान विज्ञान का शोधन कौन करेगा? और जीव न हो तो देवी देवता ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की कल्पना कौन करेगा? किसके लिए आवश्यक है तब? जीव के लिए ही तो आत्म अनुराग हो, साई जो अपना स्वामी है, अपना आपा है, उसके प्रति प्रेम हो। हमारा प्रेम संसार के प्रति होता है, शरीर के प्रति होता है। जरा हम लोग सोचें, आज जितने लोग बैठे हैं, सुबह से शाम तक का जो समय होता है, जब तक जाग रहे हैं, सो गए तब तो कोई बातें नहीं है, जब से नींद खुलती है तब से लेकर के जब तक फिर बिस्तर में जाते हैं सोते समय तक, मान लो 16 घंटा का समय है, तो उस 16 घंटे के समय में हमारा ध्यान कितना शरीर के लिए होता है और कितना आत्मा के लिए रहता है, तुलना करेंगे पता चल जाएगा। 90-95-98% तो शरीर के लिए ही, शरीर की व्यवस्था और परिवार की व्यवस्था, ये व्यवस्था उसी में चला जाता है। आत्मा के लिए, अपने लिए तो 2% भाग में ही समय निकलना भी बड़ा मुश्किल है। कहां प्रेम है? सारा प्रेम शरीर के लिए, और शरीर के लिए प्रेम होगा तो आत्म प्रेम के लिए जगह कहां बचेगी? और दुख इसीलिए, बंधन इसीलिए, बंधन का मूल कारण, दुख का मूल कारण क्या है? बहुत दुख भोगना पड़ता है, दैहिक देवी भौतिक ताप कहा जाता है, लेकिन ये सारे तापों का कारण, सारे दुखों का कारण क्या है? एक ही कारण है, देह के प्रति मोह बुद्धि होना, देहाभिमान होना या देहाशक्ति होना, ये सब दुख का मूल कारण है। देहाभिमान मिट गया या देहाशक्ति मिट गई, सब दुख खत्म हो गया फिर। लेकिन देहाशक्ति इतनी प्रबल है कि एक बार सुन भी लेते हैं प्रवचन में कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो मिट्टी पानी आग हवा से बना हुआ है, इसमें हड्डी है, चाम है, खून है, मांस है, मलमूत्र है, शरीर गंदा है, ऐसा प्रवचन में हम कहते भी हैं, सुनते भी हैं, लेख में लिखते भी हैं, फिर भी शरीर की आसक्ति दूर नहीं होती, इसीलिए दुख दूर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अपने आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। पूर्ण आत्मज्ञान होने का अर्थ है कि देहाशक्ति मिट जाना, देह की व्यवस्था रहेगी, प्रारब्ध तक तो इसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें ममत्व बुद्धि ना हो, आसक्ति ना हो, बस दुख खत्म। तो साईं सेति ने अपने आत्मा से प्रेम, आत्म अनुराग हो, लेकिन आत्म अनुराग कहते होगा, आत्मा का ज्ञान कहते होगा, ऐसे तो नहीं हो जाएगा। आत्मा का, जीव का अपने स्वरूप का ज्ञान देने वाले जो संत गुरुजन हैं, उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति भक्ति और श्रद्धा, साधु का प्रेम, साधक का प्रेम, यदि संत और गुरुजन के प्रति नहीं है तो साधना मार्ग में रह ही नहीं सकेगा, और साधना का काम कर ही नहीं सकेगा। क्योंकि साधना के लिए प्रेरणा देने वाले, साधना के लिए बल देने वाले, रास्ता बताने वाले संत और गुरु हैं, और उनके प्रति श्रद्धा नहीं रह गई, उनके प्रति भक्ति नहीं रह गई, उनके प्रति सेवा नहीं रह गई, उनके आज्ञा का पालन नहीं रह गया, तो हम साधना आगे टिकेंगे कैसे? आधार क्या होगा? कोई चीज निराधार तो रहेगी नहीं। इसलिए जो ज्ञान वैराग्य साधना परायण संत हैं या गुरु हैं, जिन्होंने हमें रास्ता बताया, ज्ञान दिया, शरण में लिया, उनके प्रति अनुराग, उनके प्रति प्रेम, श्रद्धा, भक्ति हो, ये श्रद्धा भक्ति ही वो संबल है, वह डोरी है जो हमें साधना मार्ग में बांध करके रखती है। श्रद्धा और प्रेम घट गया, भक्ति घट गई, तो फिर हम साधना मार्ग में बंध करके रह नहीं पाएंगे, भटकते रहेंगे, अपने साधु भी मानते रहेंगे और साधना विरोधी काम भी करते रह जाएंगे। तो साधक साधु के लक्षण तक कहते हैं
आत्मनुराग हो और जो आत्मा का बोध दे वो संघ गुजनों के प्रति श्रद्धा और भक्ति हो, फिर विषया सो न्यारा रहे, विषय वासनाओं से अलग। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच विषय माने गए हैं, और इनकी आसक्ति बनी हुई है तो साधु कैसे होगा? साधु तो वह है जो इन विषयों का त्याग करके रहता है, खास करके काम की वासना है, मोह है, और इनका त्याग कोई करता नहीं तो साधु कैसे होगा? तो जितने विषय हैं उनसे अलग। वैसे विषय का अर्थ पदार्थ भी होता है, विषय मतलब पदार्थ, पदार्थों की आसक्ति से अलग, पदार्थों के मोह से अलग। पदार्थ का उपयोग करे लेकिन पदार्थ में आसक्ति ना हो, मोह ना हो, अहंता और ममता ना हो, विषय क्रिया तो करना ही नहीं है, विषय चिंतन भी ना हो। अब जब तक उसमें दोष दर्शन नहीं होगा, दुख दर्शन नहीं होगा, तब तक उधर से मन घटेगा नहीं। दोष दृष्टि जब ही भयो तब उपजो वैराग, कहते हैं जब विषयों प्रति दोष दृष्टि होती है तब वैराग होता है, और विषयों प्रति सुख की निश्चयता है तो वैराग कैसे होगा? अब वैराग नहीं तो साधु कहते थे। इसलिए विषय क्रिया, विषय चिंतन, विषय वार्ता, विषय श्रवण, इनसे जो अपने आप को पूरी तरह से अलग करके रखता हो, विषयों के प्रति जिसका हृदय एकदम नीरस हो गया हो, जैसे ऊसर जमीन में, एकदम बंजर जमीन में कितना भी पानी बरसे, बीज डालो तो बीज अंकुरित नहीं होगा। हम लोग बैठे हैं यहां पर हाल में, पत्थर है और यहां बीज डाल दें तो क्या होगा? बीज अंकुरित थोड़े होगा, सड़ जाएगा, उड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि निरत है। ऐसे ही विषयों प्रति जिसका हृदय एकदम निरत हो गया, विषय जिसके मन में अंकुरित ना होता हो वो साधु है। और हम लोग यदि इस कसौटी में अपने को कसे तब कहीं के नहीं पाएंगे, लेकिन साहब कहते इसी कसौटी में तुम्हें गुजरना होगा और तब तुम्हारी साधना पूरी होगी। तो हम लोग जिस साधु मार्ग में चल रहे हैं, कल्याण के मार्ग में चल रहे हैं, हमको इस कसौटी में अपने आप को कसना है। साहब की साखी हर समय याद रखने लायक है, निर्वैरी निःकामता साई सेती ने, विषयां सो न्यारा रहे साधुन की मतिये। जो जहां हैं, मैं कह रहा हूं मुझे भी, आप सुन रहे हैं आप लोगों को भी, सबको इस कसौटी में कसना है, और इसी कसौटी में कस करके एकदम खरा उतरना है, तभी हम पूर्ण आत्मकल्याण का काम कर पाएंगे और दुखों से अपने आप को पूरी तरह से छुड़ा पाएंगे।